प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ रोष जाहिर करते हुए आदिवासी भील समुदाय के लोगों और बीटीटीएस ने मंगलवार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। जिला कलेक्टर के मार्फत सौंपे गए ज्ञापन में भील समुदाय के लोगों ने प्रदेश की लचर कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए दलितों पर हो रहे अत्याचारों पर रोक लगाने और आरोपियों के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई करवाने की मांग की। लगातार बढ़ रहे आपराधिक मामले जहां सरकार के लिए बड़ी चिंता बने हुए हैं, वहीं बढ़ते आपराधिक मामलों को लेकर कई सामाजिक संगठन सरकार की कानूनी व्यवस्था पर भी सवाल उठा रहे हैं। इसी क्रम में बाड़मेर जिला मुख्यालय पर पहुंचे आदिवासी भील समुदाय के लोगों ने बीटीटीएस संगठन के बैनर तले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन सौंपा। जिला कलेक्टर के मार्फत सौंपे ज्ञापन में भील आदिवासी समुदाय के लोगों ने बताया कि प्रदेश भर में अनुसूचित जनजाति के वर्ग के लोगों पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है और परिवादी की थानों में भी कोई सुनने वाला नहीं है। इससे आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के हौसले बुलंद हो गए हैं और दिनों दिन महिला उत्पीड़न, बलात्कार, हत्या समेत अन्य अपराध कानून व्यवस्था पर हावी होते जा रहे हैं। बीटीटीएस के जिला उपाध्यक्ष भारूराम ने बताया कि जालोर के आहोर में लक्ष्मण मीणा की अज्ञात लोगों द्वारा हत्या, जेलात्रा में नाबालिग आदिवासी बालिका के साथ गैंगरेप, भीनमाल में वीरेंद्र भील की हत्या, करड़ा थाना क्षेत्र के दांतवाड़ा ने आदिवासी युवती के साथ गैंगरेप जैसी कई घटनाएं हैं जिनके आरोपी आज भी पुलिस की पकड़ से दूर हैं और परिवादियों की कोई सुनने वाला नहीं है। हम आज इसलिए आए थे कि आए दिन हमारे समाज आदिवासी समाज के साथ आए दिन अत्याचार अन्याय हो रहे हैं, हमारे बहन बेटियों के साथ में बलात्कार हो रहे हैं, उनकी हत्या हो रही है, पूरे राजस्थान प्रदेश में आए दिन हत्या हो रही है हमारे दलित आदिवासी परिवार के साथ में। प्रशासन के द्वारा हमारी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, इसलिए हम आज कलेक्टर महोदय को श्री मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दे के हमें न्याय दिलाने में सहयोग करें। हमारा अन्यथा आए दिन हमारे साथ अन्याय अत्याचार होते आ रहे हैं। तो कहाँ कहाँ की घटनाएं आप बात? ये जालौर जिले की है, जालौर जिले की 4-5 घटनाएं, उसकी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। 2-3 तो नाबालिग बच्चियों के साथ में बलात्कार करके उनको मार के फेंक दिए गए, उनकी आज तक प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की है। आदिवासी भील समुदाय के लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपे ज्ञापन में मांग की है कि सरकार बिगड़ी कानून व्यवस्था में सुधार करने के साथ दलित उत्पीड़न के मामलों में गंभीरता बरते और आरोपियों को गिरफ्तार कर पीड़ितों को न्याय दिलाए। ज्ञापन के दौरान भील आदिवासी समुदाय के महिला पुरुष और बीटीटीएस के पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित रहे।